नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्ट्रीट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में ये दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। ये वाला जो लेक्चर है हमारा, वो हमारा आर्ट वो फोकस करता है फोक डांसेस पर, ड्रामा और थिएटर्स जो एमपी में काफी प्रचलित हैं। ये लेक्चर सीरीज प्रीलिम्स वाले एस्पायरेंट्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस ये मेंस के स्टूडेंटों को भी मदद करेगी। अब आप लोग सोचेंगे कैसे? देखिए, प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोई सा भी आपको डांस फॉर्म दे देंगे, जैसे आपसे बोलेंगे सॉन्ग जो है वो किस रीजन में होता है, या फिर इसके उससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट आ जाते हैं। लेकिन मेंस वाले दोस्तों को ये कैसे, मेंस वाले जो एस्पायरेंट है उनको ये कैसे मदद करेगा? मैंने एमपी के कुछ मेंस के पेपर का एनालिसिस किया है और उसमें डायरेक्ट आ जाता है कि आपको दो लाइन या तीन लाइन, जो थ्री मार्कर्स क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आप चलिए सॉन्ग के ऊपर तीन लाइनें लिखिए, या फिर आप और भी कोई है जैसे बढ़ई डांस है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर तीन लाइनें लिखिए, या फिर राई जो डांस है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, वैसे तो अब मैं जानता हूं आप लोग बुक्स वगैरह से प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, पर ये आपको क्विक रिवीजन में मदद करेगा। ठीक है, आप इन लेक्चर्स को देख लीजिए, इनकी लेंथ हार्डली हाफ एन आवर या वन आवर की होती है, और आप इनसे रिवाइज करेंगे तो आपका काफी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। प्लस मैंने इनको काफी होलिस्टिकली प्रिपेयर किया है, तो अगर एक बार आप इन वीडियोज को देखते हैं तो आपको कहीं से और प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो कोर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एमपीपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक गुप्ता एंड दिस इज द रेस्ट ब्रीफ अबाउट मी जो आप देख सकते हैं। दिस इज द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम का जो पहला पेपर होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, उसमें काफी अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, और इसी पे मैं ये सीरीज प्रिपेयर कर रहा हूं। तो अभी जो हम लोग पोर्शन टारगेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कल्चर वाला एस्पेक्ट। ठीक है, ज्योग्राफी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आने वाले दिनों में मैं हिस्ट्री पे भी लेक्चर्स बनाऊंगा। दोस्तों, दिस इज द सेकंड पेपर। ये जो सेकंड पेपर का सिलेबस होता है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। इससे पहले जो हमारी लेक्चर सीरीज आई थी उसमें हम लोगों ने पॉलिटी देखा था, ज्योग्राफी देख चुके हैं, इकोनॉमी देख चुके हैं, वेरियस एक्ट्स प्लस एमपी एट अ ग्लांस देख चुके हैं। अब हम आर्ट एंड कल्चर, और ये आर्ट एंड कल्चर का मेरा सेकंड लेक्चर है। टोटल 10 लेक्चर्स होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो जैसे कि मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था, एमपी में 7 रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रीजन्स में कौन कौन से डांस और कौन से ड्रामा और थिएटर ज्यादा प्रचलित हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैंने एक समराइज वर्जन इंक्लूड किया है जहां से आप देख सकते हैं। पहले तो आपको नाम ही पता होने चाहिए कि कौन कौन से फोक डांसेस हैं, तो ये यहां से आप नाम देख सकते हैं किस रीजन में वो बहुत ज्यादा फेमस है, प्लस उनके बारे में कुछ छोटी सी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आपको क्विक रिविजन में मदद करेगा। जैसे राई जो डांस है वो बुंदेलखंड में होता है, और ये वेरियस ओकेशंस जैसे मैरिज हो गई, फेस्टिवल्स हो गए, फेयर्स हो गए, उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। काठी, ये निमार रीजन में परफॉर्म होता है। इसमें ये जो काठी डांस है वो रिलीजियस डांस है। ठीक है, इसमें मतलब देवी देवताओं को खुश करने के लिए डांस किया जाता है। सुआ जो डांस है, वैसे तो सुआ छत्तीसगढ़ में मेनली परफॉर्म किया जाता है, लेकिन ये एमपी में भी कहीं कहीं पे परफॉर्म किया जाता है। कहां पे? माइकल रेंज में। और इसको मेनली परफॉर्म कौन करती है? वुमेन करती है, वो भी ग्रुप्स में, मतलब बहुत सारी औरतें एक साथ आ जाती हैं और वो इस डांस को परफॉर्म करती हैं। सुआ में एक्चुअली क्या होता है कि जब हार्वेस्ट का सीजन होता है ना, तो जो पहला हार्वेस्ट होता है उसके बाद ये परफॉर्म किया जाता है। गनगौर किया जाता है निमार रीजन में। ठीक है, गनगौर कहाँ पे किया जाता है? निमार रीजन में किया जाता है। आपको मैं काफी बार बता चुका हूँ निमार रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, तो उन सारे रीजन में ये किया जाता है। इसको आदमी और औरतें दोनों ही करते हैं, गनगौर फेस्टिवल के टाइम पे करते हैं। कन्नरा और कन्नराई जो है वो बुंदेलखंड रीजन में परफॉर्म किया जाता है। बुंदेलखंड माना नॉर्थ वाला रीजन हो गया आपका। ठीक है, और इसको धोबी कम्युनिटी के लोग करते हैं। दिवाली मेनली दिवाली के टाइम पे इसको किया जाता है। कौन सा? कन्नरा। इसको कन्नडा भी बोला जाता है, कन्नडा ऐसा कन्नड़ भी बोला जाता है। ठीक है, कन्नराई। आगे कुछ और डांस फॉर्म्स हैं, आप इनको देख के घबराइए मत। आप इसी लेक्चर को 3-4 बार देख लेना तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अखाड़ा जो है वो बुंदेलखंड में किया जाता है दशहरा के टाइम पे, अखाड़ा। ठीक है, केहरा किया जाता है बागेलखंड वाले रीजन में, और इसको मैन और वुमेन दोनों ही परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। मतलब मैन करेंगे तो वो अलग स्टाइल होगी और वुमेन करेंगे तो अलग स्टाइल होगी, केहरा। ठीक है, फिर है अड़ाखड़ा रजवाड़ी डांस है, ये मालवा रीजन में किया जाता है, और ये मेनली औरतें करती हैं अलग अलग ओकेशंस पे, जैसे कि मैरिज हो गई या फिर फेस्टिवल्स वगैरह हो गए। गरबा डांडिया, तो
तो ये वैसे तो आपको लग रहा होगा ये जो गरबा है वो सिर्फ गुजरात में किया जाता है, नहीं ये एमपी में भी किया जाता है, और इसको बंजारे जो बंजारा ट्राइब है वो परफॉर्म करती है निमार रीजन में, ठीक है, और इसको दशहरा के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। गंडम बाजा ये धूलिया ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है गंडम बाजा, और ये इसमें क्या होते हैं फोक के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज किए जाते हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट जो फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि बेम्बू के बनाए हुए, कोकोनट्स के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनसे इसको उन पे इसको परफॉर्म किया जाता है। दादर है ये बुंदेलखंड में किया जाता है, और मेनली ये दादर जो है वो शादियों के टाइम पे यूज किया जाता है, ठीक है। दादर में नॉर्मली ये मैन सेंट्रिक ये जो है डांस है मैन सेंट्रिक है। कर्मा है ये मंडला रीजन में परफॉर्म किया जाता है, और ये रेनी सीजन के टाइम पे किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो चारों हैं रीना गेंडी गोंडी गोंचा ये गोंडा ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ठीक है। गोंडा आपको मैंने बताया ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की, कौन कौन से रीना हो गया गेंडी गोंडी और गोंचो, और इनको कब कब परफॉर्म किया जाता है जैसे कि आपका जो रीना है वो तो मेनली दिवाली के टाइम पे किया जाता है। गेंडी जो है गेंडी एक तरीके का क्या कहते हैं ज्वेलरी का आइटम होता है जो कि फीट में लगा के फिर डांस किया जाता है। गोंडी जो है वो जब आप सीड्स को बोते हो उस टाइम पे इसको किया जाता है। गोंचो जो है वो रेनी सीजन में किया जाता है गोंडा ट्राइब की। तो ये चारों के चारों डांस फॉर्म जो है गोंडा ट्राइब से है। रागिनी जो है वो ग्वालियर में परफॉर्म किया जाता है, और लगभग सारी कास्ट और ट्राइब्स इसको परफॉर्म करती हैं। सलैया जो है वो भारिया ट्राइब करती है, और ये शादी के टाइम पे वो लोग करते हैं। चटकोरा चटकोरा जो होता है वो कोरकू ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बकमा बायगा ट्राइब के द्वारा होली के टाइम पे किया जाता है। बाघौरिया ये भी भील ट्राइब के द्वारा, और ये होली के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। फिर है पारधोनी, पारधोनी जो है वो बायडा ट्राइब के द्वारा किया जाता है शादियों के टाइम पे। और लहागी ये है बंजारे ट्राइब और कंजर ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फोक डांसेस थे दोस्तों, आप इसी चीज को ना 4-5 बार सुन लेना सो दैट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अभी तो ये हम लोगों ने ब्रीफ में देखा है, अब हम इन सारे डांस फॉर्म्स को डिटेल में देखेंगे। उससे पहले डांस फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले कुछ फोक ड्रामा के बारे में और बात कर लेते हैं। जो मांच है वो एक फोक ड्रामा है, और ये मालवा रीजन में परफॉर्म किया जाता है। काठी काठी ये निमार रीजन में परफॉर्म किया जाता है। काम स्वांग ये कोरकू ट्राइब्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। स्वांग जो है वो बुंदेलखंड रीजन में परफॉर्म किया जाता है। रहास ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिवीजन जो है ना उसमें परफॉर्म किया जाता है मेनली, और नौटंकी बुंदेलखंड रीजन में। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये सारे आपके फोक ड्रामा हैं, ठीक है। कौन कौन से मांच काठी काम स्वांग स्वांग रहास एंड नौटंकी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जो अभी हमने ब्रीफ में देखे अब उन्हीं सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा काठी डांस। काठी डांस क्या है, ये एक तो पॉपुलर डांस ड्रामा है, मतलब इसमें डांस भी होता है और ड्रामा भी होता है। फेस्टिवल डांस है, मतलब फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है गॉडेस पार्वती को इन्वोक करने के लिए। मेन इंस्ट्रूमेंट है धनक, धनक एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यूज किया जाता है। कॉस्ट्यूम्स जो है काफी इमेजिनेटिव होते हैं, और उनको जो कॉस्ट्यूम्स है उनको क्या बोला जाता है बाना। तो याद रखना अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज बाना, तो बाना इज बानाज आर दी कॉस्ट्यूम विच वर बोर बाय दी आर्टिस्ट ड्यूरिंग दी काठी डांस, ठीक है। इसमें मतलब कहानियां टाइप की होती हैं काठी डांस में, और ये देव प्रबोधनी एकादशी के टाइम पे इसको शुरू करते हैं, और महाशिवरात्रि तक ये डांस चलता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं डंडा डांस। डंडा डांस को जो फार्मर्स होते हैं निमार रीजन के उस वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मर्स हैं, और ये डंडे के ऊपर खड़े होकर इसको डांस को करते हैं। गणगौर का जो फेस्टिवल होता है उसमें ये परफॉर्म किया जाता है। 20 से 25 मेल डांसर्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये डंडा के बारे में दिया हुआ है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आपको तो इतना ही याद होना चाहिए जो ये डंडा डांस है वो निमार रीजन का। वैसे अभी जो हम लोग डांसेस देख रहे हैं ना वो सारे ही निमार रीजन के हैं। जैसे अभी हमने काठी देखा ये निमार रीजन में था, फिर उसके बाद हमने डंडा डांस देखा ये भी निमार रीजन में है, ठीक है। 20 से 25 लोग करते हैं, डंडे की मदद से करते हैं, स्लो पेस में स्टार्ट होता है और सर्कल में किया जाता है, ठीक है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं ढोल और थाली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है गणगौर डांस। तो गणगौर डांस भी निमार रीजन में परफॉर्म किया जाता है, प्लस ये गणगौर फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है। ये एक रिलीजियस एक डांस है, चैत्रा महीने में ये किया जाता है, ठीक है। चैत्रा महीने में किया जाता है, पार्वती जो है फोक गॉडेस मानी जाती है उनके लिए किया जाता है ये। इसके दो टाइप होते हैं गणगौर के, एक होता है झलारिया और दूसरा होता है झूला डांस, ठीक है। झलारिया और झूला दो टाइप का होता है, मतलब दो डिफरेंट टाइप का होता है झलारिया और झूला। झलारिया में तो मैन और वुमेन दोनों ही डांस करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और झूला की दो स्टाइल्स हैं, एक है अड़ा और दूसरा है खड़ा, ठीक है। अड़ा खड़ा जो है वो झूला। गणगौर डांस के पहले हमने देखे दो टाइप होते हैं,
यहाँ पे मैं आपको लिए बना देता हूँ, घनघोर जो है उसके दो टाइप हैं, एक हो गया आपका क्या कहते हैं झलारिया, झलारिया, और दूसरा हो गया आपका झूला, ठीक है। फिर झूला के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है अड़ा और दूसरा होता है खड़ा, ठीक है। इसमें गणगौर फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है, चैत्रा महीने में किया जाता है, पार्वती जी के लिए किया जाता है। और इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो ढोल और थाली, इसमें भी ढोल और थाली ही है। मेन डांसर्स की बात की जाए तो हीरालाल साध, प्रभाकर दुबे और साधना उपाध्याय, ये तीन लोग जो हैं वो काफी फेमस है गणगौर डांस के लिए। आगे चलते हैं, अगला है मांडल्य डांस। ये एक ग्रुप डांस है, याद रखना ग्रुप डांस है, और ढोल पे किया जाता है, मंडोला मंडोला, तो ढोल पे किया जाता है ये। इसको मेनली मैन लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, आदमी लोग परफॉर्म करते हैं, और मतलब सॉरी मैन जो है वो ढोल बजाते हैं और औरतें जो है वो डांस करती हैं, याद रखना। ये देखो मैन यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं और औरतें डांस कर रही हैं, ठीक है। ओपन स्पेस में किया जाता है, खुली हुई जगह में किया जाता है, और ये मैरिज या फेस्टिवल पे किया जाता है, ठीक है। मांडल्य डांस ऑफ निमार, अभी तक हमने कौन कौन से किए थे, काठी हम लोग कर चुके हैं, काठी के बाद फिर हम लोगों ने कौन सा देखा, गणगौर डांस देखा था, गणगौर के अलावा फिर हम लोगों ने एक और डांस देखा था, सॉरी गणगौर के अलावा एक और कौन सा डांस देखा है अभी हम लोगों ने, देख लेते हैं सो देट आपको ये दिमाग में अच्छे से स्टिक हो जाए। गणगौर से पहले हम लोगों ने देखा था डंडा डांस, डंडा डांस फार्मर कम्युनिटी करती है, ठीक है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं, अड़ा खड़ा डांस, तो अभी हमने देखा था अड़ा खड़ा जो डांस है वो गणगौर का ही टाइप है, ठीक है, गणगौर का टाइप है। तो अब अगर उसको भी फेस्टिवल्स वगैरह पे किया जाता है, फेस्टिवल और मैरिज पे किया जाता है, तो इसको भी देखिए आप, यहाँ पे बर्थ में, मुंडन के टाइम पे और शादी के टाइम पे किया जाता है। इस आदमी की शादी हो रही है तो ये अड़ा खड़ा खड़ा होकर डांस कर रहा है, ठीक है, अड़ा खड़ा डांस हो रहा है, ठीक है। इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो जो उसमें होते थे वही इसमें होंगे, ढोल और थाली, गाना गाया जाता है और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है ये, इसको दो से चार औरतें मिलके काम मतलब गाती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तीन औरतें हैं जो कि इसको कर रही हैं, मैरिज के टाइम पे हो रहा है, अड़ा खड़ा डांस निमार रीजन में परफॉर्म किया जाता है। आगे चलते हैं, फेफरिया डांस। फेफरिया एक ट्रेडिशनल ग्रुप डांस है, ट्रेडिशनल डांस है, आदमी और औरतें पेयर में करती हैं इसको, और सर्कल में रह के, जैसे आप ये देख रहे हैं ये एक सर्कल बनाया हुआ है, आदमी और औरत दोनों ही मिलके कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो डांस है ये शादियों के टाइम पे किया जाता है मेनली, ठीक है। आगे चलते हैं, रासलीला और घमात। रासलीला और घमात दोनों ही ये क्या कहते हैं निमार रीजन में परफॉर्म किए जाते हैं। रासलीला, रासलीला तो आपको पता ही होगा ये कृष्ण जी से रिलेटेड है, तो कब होगी, जन्माष्टमी में होती है। कृष्ण लीला के बारे में कुछ एपिसोड्स होते हैं इसमें, बर्थ ऑफ कृष्णा और वगैरह वगैरह के बारे में इसमें बात होती है। घमात की बात करें तो ये एक लाइव सटायर है, मतलब सटायर का मतलब क्या होता है, मतलब एक कॉमेडी सीन टाइप का बनाते हैं किसी भी सोशियो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इवल पे, है ना। जैसे कि मान लो करप्शन हो रहा है तो करप्शन के ऊपर एक ड्रामा बनाएंगे, कॉमिक ड्रामा, ठीक है, लगेगा ऐसा कि सीरियस है लेकिन उसमें कॉमेडी हो रही होगी। तो ये एक लाइव सटायर है, कौन सा, घमात, याद रखना घमात जो है वो क्या है, ड्रामा या थिएटर है, थिएटर फॉर्म है। सिमिलरली रासलीला भी एक थिएटर फॉर्म है, ठीक है। तो प्लस घमात से ही मिलता जुलता बुंदेलखंड में जो थिएटर है उसको बोलते हैं स्वांग, या छत्तीसगढ़ में जो है उसको बोलते हैं नाच, ठीक है। घमात जो है विलेजेस में ऑर्गेनाइज होता है नवरात्र के टाइम पे, इसमें ह्यूमर और सटायर दोनों ही देखने को मिलता है। प्लस जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो है मृदंगम और झांझ, ठीक है, मृदंगम और झांझ को यूज किया जाता है। तो याद रखना घमात क्या है, ये थिएटर है, रासलीला एक थिएटर है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं मालवा रीजन के कुछ डांसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अड़ा खड़ा, ये अड़ा खड़ा जो है हमने अभी देखा था निमार रीजन में परफॉर्म होता है, और सिमिलरली ये मालवा में भी होता है, पर यहाँ पे नाम हो जाता है अड़ा खड़ा रजवाड़ी डांस, ठीक है। ये बहुत सारे ओकेशंस पे परफॉर्म होता है, शादी वगैरह पे होता है, मंडप के टाइम पे, ठीक है। और इसमें जो क्या कहते हैं कौन सा ढोल यूज होता है, कहरवा दादरा छाल ऑफ ढोल, इसको मेनली परफॉर्म करती हैं औरतें। अड़ा जो होता है वो बेंडिंग पोजीशन में होता है, और खड़ा, खड़ा माने स्टैंडिंग, स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। रजबाड़ी इज डन होल्डिंग वन एंड ऑफ दी साड़ी, उस रजबाड़ी में क्या होता है वो साड़ी, पल्लू जो होता है ना, पल्लू का एक एंड पकड़ के करते हैं, तो उसको बोलते हैं रजबाड़ी डांस, ठीक है। तो मालवा का जो सबसे पहला डांस है वो है अड़ा खड़ा रजबाड़ी डांस। आगे चलते हैं, मटकी डांस। तो मटकी डांस जैसा कि नाम है मटकियों को लेके करा जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऑकेशंस पे होता है मटकी डांस मालवा रीजन में। प्लस इसको औरतें ही परफॉर्म करती हैं, ठीक है। इसमें ढोल और ढोलक का यूज होता है, और इसको मटकी बोलते हैं। बिगनिंग में तो सिर्फ एक औरत डांस करती है, बट बिगनिंग में मतलब मेनली तो एक औरत डांस करती है, लेकिन कभी कभी दो औरतें भी डांस करती हैं, ठीक है। इसको झूला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झूला डांस,
झोला डांस भी बोलते हैं। इसे ट्रेडिशनल कपड़े पहन के किया जाता है और घूंघट डाल के किया जाता है। घूंघट यानी जो साड़ी का आगे का पोर्शन आ जाता है ना औरतों के मुंह पे, उसको बोलते हैं घूंघट। ठीक है, तो बस इसमें आपको तीन चार लाइनें याद रखनी है कि मटकी जो डांस है वो मालवा रीजन में किया जाता है, एंगेजमेंट और मैरिज के टाइम पे किया जाता है, औरतें करती हैं, इसको झूला भी बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बातें याद रखना। फिर अगला जो मालवा का ड्रामा या थिएटर की बात की जाए तो वो है माच। ठीक है, माच जो है ये एमपी में ही ओरिजिनेट हुआ था और ये फोक ड्रामा है। ठीक है, ये दोनों ही रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज दोनों ही जगह ये फेमस है। प्लस ये क्या कहते हैं, उज्जैन जो है इसका मेन सेंटर है, मतलब उज्जैन में सबसे ज्यादा परफॉर्म होता है। उसके अलावा ये इंदौर में, धार में, रतलाम, मंदसौर, जबलपुर, शाजापुर, तो ये लगभग हर जगह ही किया जाता है। माच जो शब्द है वो मंच से आया है, मंच का मतलब होता है स्टेज। ठीक है, और क्या कहते हैं, माच होने से पहले मांच पोल भी होता है, मांच पोल होता है। ठीक है, इसमें ढोलक और शारंगी का यूज होता है। ठीक है, इसमें गाने भी गाए जाते हैं, रोमांटिक थीम्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसमें। इसमें औरतें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। प्लस इसमें अगर जो सबसे इसमें फेमस नाम है, पाइनियर है, वो है बालमुकुंद गुरुजी, बालमुकुंद गुरुजी और उसके बाद उस्ताद कल्लूराम, उस्ताद कल्लूराम। ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। मांच एक फोक ड्रामा है, ठीक है, और ये ओरिजिनेट भी एमपी में ही हुआ था। ये एक संस्कृत शब्द मंच से लिया गया है और इसमें ढोलक और सारंगी यूज होते हैं, इसको औरतें नहीं करती हैं, रोमांटिक थीम्स होती हैं इसमें मेनली। प्लस इसमें जो फेमस नाम है वो है बालमुकुंद गुरुजी का और दूसरा है उस्ताद कल्लूराम का। आगे चलते हैं, अगला है बुंदेलखंड का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने निमार रीजन की बात कर ली, फिर हमने मालवा रीजन की बात की, अब हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में सबसे पहला मशहूर डांस है वो है सायरा डांस। ठीक है, कौन सा डांस? सायरा। सायरा जो एक डांस है वो मेन सेंट्रिक डांस होता है और सावन के महीने में किया जाता है, सायरा फॉर सावन। ठीक है, 14 से 20 आदमी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास डंडा भी होता है। ठीक है, डंडा होता है, तो एक तरीके से ये जो हमने डंडा डांस देखा था ना निमार रीजन का, उसी जैसा हो गया। ठीक है, सायरा डांस, और उसमें भी डंडा डांस मेनली निमार रीजन में फार्मर कम्युनिटी के लोग करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। पहले इसमें क्या करते हैं, पहले आधा ग्रुप डांस करेगा, फिर आधा ग्रुप डांस करता है। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स इसमें काफी सिंपल होते हैं, इसमें साफा पहना जाता है, आप ये देख रहे होंगे इसमें साफा पहना जाता है। प्लस इसमें इनके पास एक रुमाल भी होता है और घुंघरू होते हैं पैरों में, आप ये देख रहे हो ना, ये घुंघरू भी है इनके पैरों में, और मृदंगम प्लस फ्लूट की जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यही तीन चार लाइनें याद रखना। सायरा डांस बुंदेलखंड में किया जाता है, मेन सेंट्रिक है, 14 से 20 लोग काम आदमी डांस करते हैं, डंडे पे करते हैं, प्लस ये कृष्ण लीला वगैरह उसकी थीम होती है, प्लस इसमें कॉस्ट्यूम सिंपल्स होते हैं, हैंकरचीफ होता है, प्लस घुंघरू पहन के किया जाता है, ढोल और मंजीरा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं थिमरिया डांस। थिमरिया डांस अगेन बुंदेलखंड में होता है, ये रूरल एरियाज में काफी फेमस है। ठीक है, और इसको थिमर कम्युनिटी के लोग करते हैं, इसीलिए इसको थिमरिया इसका नाम पड़ गया। इसको मैरिज और नव दुर्गा के टाइम पे किया जाता है। मेन डांसर्स जो हैं वो सॉन्ग गाते हैं, मतलब गाना गाते हैं श्रृंगार के और भक्ति के। ठीक है, तो रिलीजियस भी हो गया, सेक्युलर भी हो गया, और इसके जो डांस मूवमेंट होते हैं वो उसमें रैपिड कथक टाइप के डांस होता है, जो कथक का डांस होता है वो उसका होता है, प्लस फिर इसमें चक्कर ठुमका वो सारी कॉमन चीजें। ठीक है, तो थिमरिया डांस बुंदेलखंड याद रखना। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं बुंदेलखंड का अगला डांस, वो है राई डांस। कौन सा डांस? राई। तो ये मैरिज और फेस्टिवल पे किया जाता है, डांसर को बेदनी बोला जाता है इसमें। ठीक है, और ये मृदंगम की बीट पे किया जाता है, ड्रम की बीट पे, ये आप देख रहे हो, ये ड्रम की बीट पे किया जाता है। डांसर्स को क्या बोलते हैं? बेदनी बोलते हैं। और राई डांस में स्वांग, स्वांग एक थिएटर फॉर्म है, वो भी परफॉर्म किया जाता है। इसमें ह्यूमर होता है, सटायर होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, जब राई रिज्यूम होता है, मतलब एक बार इसमें पहले बीच में ब्रेक लगता है, फिर उसके बाद जब ये रिज्यूम होता है तो उसमें फिर म्यूजिक भी होता है, डांसिंग भी होती है और पोएट्री भी होती है। ठीक है, तो राई डांस के बारे में याद रखना कि बुंदेलखंड में होता है, डांसर्स को बेदनी बोलते हैं, मृदंगम पे किया जाता है, सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है, ह्यूमर और सटायर मेन एम होते हैं। ठीक है, ये चार लाइनें याद रखना। फिर हमने कनद या फिर कन्नडाई डांस के बारे में देखें, तो कन्नड या फिर कन्नडाई जो डांस है वो धोबी कम्युनिटी, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये धोबी कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, प्लस बुंदेलखंड रीजन में किया जाता है। ठीक है, ये इसमें गुरु वंदना मेली की जाती है, तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने गुरु जी का पिक्चर लिया है, तो ये गुरु वंदना के लिए किया जाता है, प्लस इसमें फिर कथा होती है, कथा को बोलते हैं इंग्लिश में ओडी, ओडी,
तो कथा प्लस गजानन गॉड यानी गणेश जी की पूजा के लिए भी इसको, मतलब सबसे पहले इसमें गुरु वंदना होगी, फिर भगवान गणेश जी की पूजा वगैरह अर्चना की जाती है, ठीक है। इसको हमेशा ऑस्पिशियस यानी रिलीजियस या अच्छे ओकेशंस पे किया जाता है, सारंगी लोटा ढोलक और कॉर्ड को लेके इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो कन्नडाई डांस के बारे में याद रखना, बुंदेलखंड में होता है, धोबी कम्युनिटी के लोग करते हैं, गुरु वंदना होती है, फिर गणेश जी की पूजा की जाती है और सारंगी लोटा ढोलक वगैरह लेके परफॉर्म किया जाता है। आगे चलते हैं, बुंदेलखंड का जो अगला डांस है वो है बाढ़ई, बाढ़ई बोल दो, बधाई बोल दो, जो भी आपको बोलना है। तो बाढ़ई जो डांस है बुंदेलखंड में परफॉर्म होता है, शादियों के टाइम पे परफॉर्म होता है, आदमी और औरत दोनों ही परफॉर्म करते हैं, आप देख रहे हो आदमी और औरत दोनों ही परफॉर्म करते हैं। बिगिनिंग में डांस सर्कल में होता है, और क्या होता है इसमें एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, आदमी और औरत, और इनमें से एक आदमी बीच में आता है, वो डांस करता है, फिर वो चला जाता है, मतलब वो थक गया तो वो चला गया, फिर दूसरा बंदा आ जाता है, ठीक है। और बाढ़ी ताल पे ये किया जाता है, ठीक है। तो बाढ़ी बीफ और बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में ये परफॉर्म होता है। आगे चल लेते हैं, अब बुंदेलखंड के हम ड्रामा के बारे में बात करें तो स्वांग जो है वो बुंदेलखंड में परफॉर्म किया जाता है, फोक थिएटर है ये, और ये किया जाता है जब जो राई डांस हो रहा होता है ना, मैंने आपको बताया था राई डांस में बीच में ब्रेक लगते हैं, तो ब्रेक के टाइम पे स्वांग को परफॉर्म किया जाता है। इसमें सोशल और कल्चरल डिसेबिलिटी जैसे कि सती हो गई, विडो है ना, विडोज के लिए हो गया, या चाइल्ड मैरिज हो गई है ना, तो उन सब के बारे में बताया जाता है। इसमें 4 से 5 स्वांग प्लेट किए जाते हैं, मतलब एक राई डांस हो रहा होगा ना तो उसमें 4 से 5 स्वांग परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। ये फेयर्स में जब मेला वगैरह लगा हो, सेलिब्रेशन हो, उस टाइम पे किया जाता है। इसमें गाना और एक्टिंग दोनों ही पार्ट होते हैं, ठीक है। पॉपुलर सॉन्ग्स अगर, मतलब मेन इसके अगर कुछ थिएटर फॉर्म्स के अगर मेन थिएटर देखे जाए तो लाहौरिया, सुनार, दाउज, धतूरा, सूरा लवाउन और पंडित ठाकुर, भूरी भैंस है ना, तो ये सारे इसके फेमस आर्ट फॉर्म्स हैं सॉन्ग के। बागेलखंड, जो बागेलखंड रीजन है उसके कुछ फोक डांस की बात करें तो काहेरा, काहेरा डांस है ये बागेलखंड में परफॉर्म किया जाता है, और इसे औरत और आदमी दोनों ही करते हैं, लेकिन ये देखो अलग अलग खड़े हैं ना, तो दोनों का जो स्टाइल है वो डिफरेंट टाइप का होता है। प्लस इसमें जो है कहेरवा ताल के ऊपर इसको डांस किया जाता है इसमें, और इसमें डांस करने से पहले वो कहेरा को गाते हैं, ठीक है, और ये काफी एनर्जेटिक है, तो एनर्जी से आपको याद रखना है ये काफी एनर्जेटिक होता है। और इसमें फुरहारी जो है वो मेन फीचर होता है, ठीक है। फुरहारी में क्या किया जाता है कि जो औरतें होती हैं वो हाथ पकड़ के बहुत तेज चक्कर लगाती हैं, तो उसको बोला जाता है फुरहारी, ठीक है। और ये बारी कास्ट के जो लोग होते हैं, कहेरा और बारी कास्ट, वो इसको परफॉर्म करते हैं, मतलब वो काफी पॉपुलर है, उनके बीच में ये काफी पॉपुलर है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद है कलश डांस, कलश बोल लो या कलसा डांस बोल लो, तो ये शादियों के टाइम पे किया जाता है जब बारात आती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विराट की बारात में जमकर नाचे बाराती, कौन सा डांस नाच रहे होंगे वो लोग, कलसा डांस नाच रहे होंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, बागेलखंड रीजन में होता है, ठीक है। इसमें नगड़िया, ढोल, सहनाई ये सारी चीजें होती हैं और कलश होता है उनके सर पे, ठीक है। अगर इसकी आप सिमिलरिटी देखें तो गुजरात में एक भाभी डांस है, वहां का एक ये फोक डांस है, तो वहां पे भाभी होता है और यहाँ पे ये कलश डांस होता है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं केमाली और सजन सजनी डांस। केमाली और सजन सजनी डांस जो है, ये देख रहे हो सजन और सजनी डांस है, ये शादियों में मेनली किया जाता है, शादियों में किया जाता है, आदमी और औरत दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें जो गाने होते हैं ना वो आंसर के फॉर्मेट में होते हैं, जैसे किसी चीज का वो आंसर दे रहे हो, ठीक है। आगे होता है दादर डांस, दादर डांस जो है वो बागेलखंड का ही डांस है, और इसमें क्या कहते हैं कौन कौन से कास्ट के लोग काम डांस करते हैं, कोल, कोटवार और कहार कास्ट के लोग डांस करते हैं, तीनों के से हैं, कोल, कोटवार और कहार, ठीक है। इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है नागड़िया, ढोल, ढोलक, ढांप और सहनाई, ये मेन सेंट्रिक डांस है। और इसमें जो आदमी होते हैं ना वो एक तरीके से औरतों के कपड़े पहन के डांस करते हैं, तो इसीलिए मेन सेंट्रिक डांस कहलाता है। फिर आ जाता है हमारा बिरहा या फिर अहिराई डांस, अहिराई जो डांस है उसका नाम आया है अहीर, अहीर जो कम्युनिटी है वो इसको डांस करती है। इसमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है, मूड के हिसाब से, जैसा आपका मूड है उस हिसाब से आप डांस कर लो। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये इसके जो गाने होते हैं ना वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होते हैं। जो इसमें आर्टिस्ट होता है वो पीकॉक के फेदर, पीकॉक का जो फेदर होता है ना उसका कॉस्ट्यूम पहनता है, ठीक है। और प्लस इसके अलावा और क्या याद रखना है कि ये किस टाइम पे किया जाता है, मैरिज और दिवाली में मेनली परफॉर्म किया जाता है, अदरवाइज कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, किसी भी मूड पे परफॉर्म किया जा सकता है। अहीर कम्युनिटी करती है और मैन सेंट्रिक है, याद रखना है ये मैन सेंट्रिक है, कभी कभी औरतें भी डांस करती हैं, और दोनों ही जो डांस करते हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करते हैं, और ये सडनली स्टार्ट हो जाता है। पीकॉक के फेदर और पीकॉक
कलरफुल स्टिक लेके वो डांस करते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो बिरहा या अहिराई डांस हो गया। उसके बाद राई डांस हमने अभी देखा था, ये बुंदेलखंड में भी होता है और बागेलखंड में भी होता है। तो बुंदेलखंड में की तरह बागेलखंड में भी इसको परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। बुंदेलखंड वाले में बेदनी, हमने याद होगा बेदनी होती थी और मृदंगम होता था, ठीक है ना, बेदनी डांसर को बोलते थे। ठीक है, वो एक तरीके से मतलब मेन सेंटर होती थी, मतलब एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती थी बेदनी और मृदंग। लेकिन बागेलखंड में ढोलक पे होता है पहली बात, तो ढोलक और नगाड़े पे होता है, और सिर्फ यहाँ पे आदमी डांस करते हैं। वहां पे आदमी डांस नहीं करते थे, वहां पे औरतें डांस करती थी बुंदेलखंड में। बागेलखंड में आदमी डांस करते हैं औरत की ड्रेस में। ठीक है, तो ये राई डांस हो गया बागेलखंड में। अब हम लोग कुछ और जो इम्पोर्टेंट फोक डांस या ड्रामा या थिएटर है एमपी से रिलेटेड, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुआ फोक डांस, वैसे तो ये छत्तीसगढ़ का है लेकिन एमपी में भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसमें औरतें और लड़कियां परफॉर्म करती हैं, मेनली हर कास्ट और क्लास की। ये कुंवार के महीने में, कुंवार का ये जो महीना होता है उसमें परफॉर्म किया जाता है, और खरीफ की जब क्रॉप कटती है उस टाइम पे इसको किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच में ग्रेन्स को रखा जाता है और दो मट्टी के पैरेट तोता बनाए जाते हैं, और ये एक तरीके से सुआ जो है वो एक लव सॉन्ग डांस है। ठीक है, याद रखना। अगला जो है वो है रहस, रहस फोक डांस भी, ये छत्तीसगढ़ का है। रहस ये रासलीला से रिलेटेड है, ये रिलीजियस ड्रामा होता है। ठीक है, रिलीजियस ड्रामा होता है, इसमें एक तरीके से पूजा भी होती है और एंटरटेनमेंट भी होता है। ठीक है, रहस जो शब्द है वो रासलीला से ही निकला है। ठीक है, पंडित ऑफ रहस जो हैं वो पहले गाना गाते हैं और उसके बाद इसमें एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। इसमें एक तरीके से पूरा का पूरा गांव पार्टिसिपेट करता है। इसमें अगर हम मेन पर्सन देखें तो कौशल सिंह, विशेश्वर सिंह, केसरी सिंह, रेवाराम, कुल्लीवाला, ठीक है, तो ये सारे इसके फेमस नाम हैं। ठीक है, तो रहस छत्तीसगढ़ का मेन डांस फॉर्म है ये, लेकिन एमपी में भी परफॉर्म किया जाता है। फिर है काम स्वांग। ठीक है, तो हमने जैसे देखा था ना स्वांग, ये अपना बुंदेलखंड के टाइम में परफॉर्म किया जाता है, थिएटर फॉर्म था, और क्या कहते हैं राई के बीच में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये काम स्वांग है, ये कोरकू ट्राइब, जब ये स्वांग का चीज कोरकू ट्राइब करती है तो इसको बोलते हैं काम स्वांग ड्रामा। ठीक है, इसमें इसकी मेन स्पेसिफिक बात याद रखना कि जो मेघनाथ है उसकी स्टोरीज के बारे में ये होता है कि इसमें क्या है कि कैसे एक मेघनाथ ने रावण, मतलब जो मेघनाथ है जो कि रावण का बेटा है, उसने कोरकू ट्राइब को कैसे बचाया था, उससे रिलेटेड कोई कहानी होती है। ठीक है, काम सॉन्ग जो है वैसे तो वो एंटरटेनमेंट के लिए तो होता ही होता है प्लस, लेकिन मेनली ये किस लिए होता है, सटायर ऑन सोशल और क्या कहते हैं ह्यूमन वीकनेसेस के बारे में होता है। इट इज इक्वलेंट टू घमात, जो निमार में घमात होता है मैंने बताया था आपको, या फिर महाराष्ट्र में तमाशा, उस ही जैसा होता है। तो याद रखना तमाशा जो है वो एक ड्रामा फॉर्म है। कहाँ का फोक ड्रामा फॉर्म है, ये ड्रामा फॉर्म है महाराष्ट्र का। ठीक है, याद रखना। और घमात तो हम लोगों ने बात की थी, वो निमार रीजन में परफॉर्म किया जाता है। आगे चलते हैं, अब है मनसूखा ड्रामा। मनसूखा ड्रामा जो है वो बागेलखंड रीजन में परफॉर्म किया जाता है। मनसूखा जो है वो एक कॉमेडी ड्रामा है। ठीक है, कॉमेडी ड्रामा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज अ कॉमेडी ड्रामा मनसूखा। ठीक है, और ये बाघेली वर्जन है रास का, जो हमने रहस की बात की थी ना वो उसी का ही ये बाघेली परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसमें जो हीरो होता है जिसको प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं, वो फ्लर्ट करता है गोपी, गोपी यानी लड़कियों के संग फ्लर्टिंग करता है। ठीक है, और इसी का नाम होता है मनसुख लाल, जो भी ऐसा काम करता है उसको बोलते हैं मनसुख लाल। अगला है लकर बग्गा ड्रामा। लकर बग्गा ड्रामा जो है वो अहीर कम्युनिटी के लोग करते हैं। ये एक फोक ड्रामा है, लड़के और लड़कियां दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली इसमें स्टोरी होती है, क्या होती है कि लड़की को एक लकर बग्गा क्या कहता है किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद क्या होता है, जब लड़का उसे बचाने जाता है तो वो लकर बग्गा यानी हाइना, ठीक है इंग्लिश में इसको हाइना बोलते हैं, तो लकर बग्गा जब लड़का लड़की को बचाने जाता है तो वो लड़का हाइना को मारता है, जिससे हाइना या लकर बग्गा घायल हो जाता है। अब क्या होता है, लड़की उसका हाइना का ख्याल रखती है और उसे प्यार हो जाता है, तो इसी की स्टोरी के बारे में होता है। ठीक है, ये तो ये हो गया लकर बग्गा ड्रामा। हिंगोला ड्रामा जो है वो एक स्टेज लेस, आप देख रहे हो यहाँ पे कोई स्टेज नहीं है, तो ये एक स्टेज लेस सिंपल ड्रामा होता है, और इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो दो ग्रुप में बट जाते हैं, और वो क्या होता है इवन इसमें जो ऑडियंस होती है वो भी गाना गाती है। विनिंग कैंप क्या होता है, जो भी इंसान जीतता है, मतलब जो भी कैंप जीतता है वो दूसरे कैंप को कुछ परफॉर्म करने के लिए देता है। ठीक है, और मेनली ऐसा माना जाता है कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनको तो ये परफॉर्म करना ही चाहिए, सो दिस इज कॉल्ड हिंगोला ड्रामा। ठीक है,
बस। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो लेक्चर के मेन मेन पॉइंट्स है वो सारे तो खत्म हो गए, मतलब जितने भी मेन डांसेस, ड्रामा, थिएटर फॉर्म्स थे वो खत्म हो गए। अब फिल्म्स के हिसाब से जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको, सो दैट आपके दिमाग में ये जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो जल्दी से स्टिक हो जाए। तो निम्बार रीजन में हमने बात की थी गनगौर डांस, ये रिलीजियस डांस होता है, चैत्रा महीने में किया जाता है, पार्वती को खुश करने के लिए किया जाता है, दो टाइप का होता है, झलारिया और झोला, झोला के भी दो टाइप होते हैं, अड़ा और खड़ा, ठीक है। फिर होता है काठी डांस, ये भी निमार रीजन का ही था, फेस्टिव डांस है, पार्वती जी के लिए किया जाता है और धनक इंस्ट्रूमेंट पे किया जाता है। फेफरिया अगेन ये निमार रीजन का ही है, आदमी और औरतें दोनों करते हैं। मांडल्य डांस, ये सिर्फ और सिर्फ औरतें करती हैं और आदमी ढोल बजाते हैं, ओपन स्पेस पे किया जाता है मैरिज और फेस्टिवल के टाइम पे। अड़ा खड़ा डांस, ये क्या कहते हैं, बर्थ, मुंडन या मैरिज तीनों किसी भी समय पे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है और दो से चार औरतें परफॉर्म करती हैं, ये सारे निमार रीजन के ही डांस फॉर्म्स थे, ठीक है। अगला है डंडा डांस, ये भी फार्मर कम्युनिटी के लोग करते हैं, गनगौर फेस्टिवल पे करते हैं, डंडा लेके करते हैं। फिर निमार में हमने फोक ड्रामा की बात की थी, एक था घमात और दूसरा था रासलीला। घमात में लाइव सटायर होता है सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इविल के बारे में, ह्यूमर और सटायर इसका मेन फीचर होता है। रासलीला जन्माष्टमी के टाइम पे और कृष्ण लीला के बारे में होता है। मालवा, मालवा इज अ फोक डांस, इसमें मालवा के जो फोक डांस हैं वो एक हमने बात की थी मटकी, इसमें औरतें करती हैं और ढोल और ढोलक पे करती हैं। अड़ा खड़ा रजवाड़ी डांस, ये शादियों में किया जाता है मंडप के टाइम पे, और अड़ा अड़ा जो होता है वो बेंडिंग पोजीशन में, खड़ा जो है स्टैंडिंग पोजीशन में, और रजवाड़ी जो है वो पल्लू पकड़ के किया जाता है। मालवा का जो फोक ड्रामा था उसका नाम था माच, और ये मंच एक संस्कृत शब्द होता है उससे निकल के आया है जिसका मतलब स्टेज होता है, ठीक है। इसमें गाने भी गाते हैं प्लस इसमें बहुत सारी थीम होती है रिलीजियस और सेकुलर। फेमस नाम था बाल मुकुंद गुरुजी, ठीक है, बाल मुकुंद। और ये जो माच है वो एमपी में ही ओरिजिनेट हुआ था, याद रखना। बुंदेलखंड की अगर हम लोग डांस की बात करें तो राई, राई ये शादी और फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है, मेन अट्रैक्शन होती है बेदनी। बेदनी क्या होती है, जो डांसर होती है, ठीक है, और इसमें लड़की ही डांसर होती है। प्लस ये मृदंग के ऊपर डांस किया जाता है, और इसके जब राई के ब्रेक होते हैं तो उसमें चार से पांच स्वांग जो कि एक थिएटर फॉर्म है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं, कन्नड़ या कन्नड़ाई जो डांस है वो बुंदेलखंड में किया जाता है और धोबी कम्युनिटी के लोग करते हैं। गुरु, इसमें सबसे पहले गुरु वंदना होती है और फिर गणेश जी का पूजन होता है, ठीक है ना। सायरा जो डांस है वो मेन सेंट्रिक डांस है और ये सावन के महीने में किया जाता है सायरा, ठीक है। सायरा ये बुंदेलखंड में ही होता है। फिर है बढ़ई, बढ़ई मैन और वुमेन दोनों ही करते हैं शादियों के टाइम में। थिमरियाई, थिमर कम्युनिटी के लोग करते हैं शादियों के टाइम पे और नवदुर्गा के टाइम पे। फिर बुंदेलखंड में हमने जो ड्रामा देखा था वो स्वांग था, स्वांग में हमने देख लिया था राई के बीच में होता है, पॉपुलर स्वांग में कुछ ये नाम लिखे हुए हैं। बागेलखंड की अगर हम डांस की बात करें तो बिरहा या फिर अहराई, ये इसका कोई डेफिनेट टाइम या मूड नहीं होता है, पर फिर भी अगर बोलने के लिए बोला जाए तो ये फेस्टिवल वगैरह के टाइम पे किया जाता है ना, और इसमें आंसर फॉर्मेट में होता है सब कुछ। फिर राई डांस, राई जो है ये बागेलखंड में, मतलब बुंदेलखंड में तो किया ही जाता है पर ये बागेलखंड में अलग होता है। इसमें मेनली आदमी औरतों के कपड़े पहन के डांस करते हैं, ठीक है, ये मेन याद रखना। और जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो ढोलक और नगाड़े होते हैं। केहरा डांस जो बागेलखंड का है उसमें मेन फीचर क्या होता है, फुरहारी होता है। फुरहारी मैंने आपको बताया था, औरतें क्या होती हैं, हाथ पकड़ती हैं और बहुत तेज चक्कर लगाती हैं, ठीक है, तो वो हो गया केहारी डांस। फिर दादर डांस है, दादर बागेलखंड में किया जाता है, मेन सेंट्रिक डांस है और इसमें जो मेल डांसर्स होते हैं वो औरतों के कपड़ों में डांस करते हैं, ठीक है। फिर कलश डांस हो गया, जो आपको याद होगा विराट वाला मैंने बताया था, विराट की बारात, तो कलश डांस जो है वो बारात के टाइम पे किया जाता है शादियों में और इसमें कलश को सर पे रख के डांस किया जाता है। केमली या साजन साजिनी डांस जो है, तो साजन साजिनी मतलब मैन और वुमेन दोनों ही डांस करते हैं इसमें और ये शादियों के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, पर इसमें जो भी मैंने कंटेंट यूज किया है वो मैंने इन तीन बुकों से यूज किया है दोस्तों। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ बाकी सारे लेक्चरों की तरह ये लेक्चर भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, street01990@gmail.com। दोस्तों और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। प्लस अगर आप मेरे किसी भी आने वाले लेक्चर को मिस नहीं करना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। दोस्तों आप लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करने हैं। दोस्तों अभी तो मैंने ये पीडीएफ क्या कहते हैं कहीं पे अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि टाइम अवेलेबल नहीं है मेरे पास, पर फिर भी जो लोग मुझसे ये पीडीएफ लेना चाहते हैं वो मुझे अपना मेल आईडी मेल कर दें, मैं उनको ये सारी जो भी पीडीएफ है वो मेल कर दूंगा, ठीक है।
तो आप अपनी ईमेल आईडी मुझे मेल कर दीजिए, मैं या फिर ईमेल आईडी मेल कर दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। प्लस दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आप हिस्ट्री के लेक्चर्स कब बनाएंगे। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स बना सकूं। प्लस दोस्तों आप इन्हीं लेक्चर्स को बार बार देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू वेरी मच और अलविदा, सी यू। Yeah.